हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़की को इम्प्रेस करने के कुछ खास उपाय। तो आज के वीडियो से टॉपिक पे हैं। तो अगर आप लड़की को पसंद करते हो और उसे इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिससे आपके लिए किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा, चाहे वो आपकी दोस्त हो, क्रश हो या एक अननोन लड़की हो जिससे आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो। ठीक है, बस देख करना कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप एक लड़की पे एक अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हो तो आपको अपने आप को साइड में रखकर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, उसको खास महसूस करवाना होगा। जब आप उससे बात कर रहे हो तो उसे खास लगना चाहिए कि हाँ, मैं इस इंसान के लिए स्पेशल हूँ या मैं इस लड़के के लिए खास हूँ। ठीक है, और ख़ास महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट देना या लड़की की तारीफ़ में कुछ अलग हटकर लाइन बोलना, जैसे कि कुछ फ्लर्टिंग लाइन्स होती हैं, इनका यूज़ करना। अगर आप इनका यूज़ करोगे तो आप एक लड़की पे एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देखो, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर आपकी लड़की से बातचीत होती है और आपको उसे इम्प्रेस करना है ना, तो लड़की से बात करते समय आप उन बातों को मतलब उसे शेयर करो जो आज तक उसने अपने बारे में आपको नहीं बताई है। ठीक है, ये बातें आपको पता कैसे चलेंगी? जैसे कि उसकी कोई क्लोज फ्रेंड है, उसके थ्रू आप उसके बारे में जानें। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसने अभी तक आपको अपनी बर्थडे डेट नहीं बताई है, ठीक है, और आपकी उससे बातचीत हो रही है, तो आप जो है उसके बर्थडे पर उसे फर्स्ट विश कर सकते हो। ठीक है, ये जानकर उसे सरप्राइज़ होगा कि यार, मैंने तो इसे अभी तक बर्थडे बताई नहीं है अपनी, लेकिन फिर भी इसे मेरा बर्थडे याद है, इसे डेट कैसे पता चले। तो ये काम जो है ना, एक लड़की को अच्छा फील कराते हैं, और वो बातें जब आप उससे शेयर करोगे जो उसने आपको नहीं बताई हैं, तो ये बहुत अच्छा चांस होता है एक लड़की को इम्प्रेस करने का। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मोस्टली लड़के जो हैं लड़की को कि कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आँखों की तारीफ़ कर दी या फिर घुमाने लगे, नहीं। इससे थोड़ा सा हटकर आप जो है करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे चांस आए। जैसे कि आप अपने आप को ही ले सकते हो कि वो आपको हमेशा एक नॉर्मल लुक में देख रही है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद आप उसके सामने जाते हो तो थोड़े से कूल, थोड़ी सी डैशिंग दिखते हो, तो वो चीज़ उसके लिए थोड़ी सी इम्प्रेसिव होगी। ठीक है, क्योंकि आप उसके सामने एक अलग तरीके से पेश आए हो। ठीक है, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग दिख रही है, तो इससे भी मोस्टली लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कि वो चीज़ उसने सोची नहीं थी कि आप इतने और भी ज़्यादा हैंडसम दिख सकते हो। ठीक है, आपका लुक इतना बदल सकता है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। मतलब कि अपने आप को वेल मेंटेन रख के, अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी पर टाइम टू टाइम वर्क करके। इसके अलावा किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो बातों से अच्छा और कोई तरीका नहीं होता। मतलब कि बातें जब आप उससे करते हो ना, तो कोशिश करें कि आप उसके बारे में ज़्यादा बात करें। ठीक है, और जो है उसकी पसंद नापसंद है उन चीज़ों को जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो इससे भी लड़की इम्प्रेस होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।